नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पर। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि IOCL डिगबॉय आसाम का BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट है वो आ गया है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे आपको, क्या काउंसलिंग का आपका शेड्यूल है, सारी जानकारियाँ आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। चलिए नोटिस देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कल आपका रिजल्ट है वो रिलीज़ हो गया, तो जो कैंडिडेट हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं फॉर प्री एंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रिटर्न टेस्ट हेल्ड ऑन 16/12/2020 एट डिगबॉय फॉर एडमिशन टू BSc नर्सिंग एंड GNM कोर्स इन आसाम ऑयल कॉलेज एंड स्कूल ऑफ नर्सिंग डिगबॉय में। तो जो कैंडिडेट के रोल नंबर चेंज ने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और काउंसलिंग के लिए, उनके रोल नंबर्स हैं वो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। दो जो कैंडिडेट के GNM कोर्स में जिन कैंडिडेट के रोल नंबर्स सिलेक्शन हुआ है उनके रोल नंबर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये करीब 30 स्टूडेंट हैं GNM कोर्स में, उनका सिलेक्शन हुआ है प्री एंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आफ्टर रिटर्न टेस्ट। तो रिटर्न टेस्ट में इन कैंडिडेट की मेरिट आई है, और जो BSc नर्सिंग के कैंडिडेट हैं उनकी भी लिस्ट आप देख सकते हैं, आपके रोल नंबर्स दे रखे हैं। ये रोल नंबर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, और उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी आपको लेके आनी होगी। तो जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे उनकी लिस्ट हम आपको बता देते हैं। तो 10th पास का आपका जो सर्टिफिकेट है वो लेके आना है आपको, SC/ST/OBC डिसेबिलिटी EWS इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट बाय रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो SC/ST/OBC डिसेबिलिटी EWS इनकम सर्टिफिकेट आपको लेके आना है अगर आप इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जिन जिन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उनकी जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको लेके आना होगा, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने 10th और प्लस टू की है उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके आना है, और उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको लेके आनी है, और कन्वर्जन सर्टिफिकेट लेके आना है आपको अगर आपकी CGPA OGPA और लेटर ग्रेड है तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स में उसका जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके आना होगा फ्रॉम द कंसर्न बोर्ड, और इनकम सर्टिफिकेट लेके आना होगा इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, और कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन अंडर डिगबॉय लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो उनको रेजिडेंस सर्टिफिकेट या वोटर आईडी कार्ड भी लेके आना होगा, और एनी अदर सर्टिफिकेट एज स्पेसिफाइड, और बाकी भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं बचे हुए वो भी आपको लेके आने जो इसमें आपको लगता है कि यूज़ होंगे और आपको आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान चाहिएंगे, और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी आप एक साथ में ज़रूर लाइएगा। और ये है, और जो आपका शेड्यूल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो आपका जो कंसर्न आपकी ईमेल आईडीज़ है उन पे सेंड हो गया है, तो आपकी ईमेल आईडीज़ पे आ जाएगा कि कब डेट को किस डेट को आपका प्री एंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपका रिजल्ट रिलीज हो चुका है। तो ये नोटिस था आपका, आपकी जो डेट है और टाइम है जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्री एंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, वो आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जिस ईमेल आईडी से आपने फॉर्म सेंड किया था IOCL को, उसी ईमेल आईडी पे आपको जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको उनका जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट और टाइम आ जाएगा। तो यही जानकारी थी आपके लिए इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।